नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त राकेश सिंह सीरत से, सीरत कार स्कैनिंग। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मुझे बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो और मैं पेश करता हूँ आपके सामने। गाड़ी है अपनी स्विफ्ट 12 से 16 मॉडल स्विफ्ट है। उसमें बेसिकली हुआ क्या था, सेंटर लॉकिंग काम नहीं कर रही थी गाड़ी में। काफ़ी परेशान हुए, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन एक छोटी सी जानकारी है, सोचा सभी भाइयों तक ये भी साझा कर दूं ताकि कोई और भाई परेशान ना हो। देखिए दोस्तों, आप वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन दबाओ। बेल आइकन दबाने के बाद, वहाँ पे बेल आइकन क्लिक करने के बाद ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर भी क्लिक करो ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे कि हमने कोई वीडियो डाला। अब होता क्या दोस्तों, कहीं पर मेरा मन थोड़ा सा, काफ़ी भाइयों के कमेंट आते हैं कि सर पूरा पूरा वीडियो बनाओ, तो पूरा वीडियो बनाने की सोचता हूँ तो देखता हूँ व्यू तो आ रहे हैं, लेकिन सभी भाई देख भी रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को, कमेंट नहीं कर रहे हैं। आपके कमेंट हमें कुछ ना कुछ से सिखाते हैं, कुछ आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की, कोई काम आपसे नहीं हो पाता तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक हम उस पर भी वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। अभी जो वीडियो बनी है, फिलहाल बनी है, ये निकोन के मॉड्यूल के ऊपर, ये निकोन का मॉड्यूल है, इसके ऊपर वीडियो बनी है। ये हमारे चाबी है, रिमोट है। अब मैं आपको पहले क्लियर बता दूं हुआ क्या है गाड़ी में। गाड़ी में रिमोट नहीं काम कर रहा था, तो हमारे पास आई, हमने देखा रिमोट मैच नहीं हो रहा है। फिर हमने ये मॉड्यूल दूसरी गाड़ी में भी टेस्ट किया, दूसरी गाड़ी पे सेंटर लॉकिंग का मॉड्यूल लगा के टेस्ट किया, तो दूसरी गाड़ी पे ये मॉड्यूल काम नहीं कर रहा था। ये गाड़ी के साथ का मॉड्यूल है। फिर हमने बाज़ार से दूसरा यूनिट परचेज कर लिया, दूसरा मॉड्यूल खरीदा, इसको दूसरी गाड़ी में हमने चेक किया तो ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास वर्क करने लगा। लेकिन फिर इसको हमने इस गाड़ी पे वर्क करके चालू करके देखा तो ये चल तो गया, इस गाड़ी पर भी फर्स्ट क्लास चल गया, लेकिन प्रोग्रामिंग मोड में नहीं आ रहा है। जब हम चाबी ऑन करके ऑफ करके बाहर निकाल के 3 बार डोर स्विच दबाते हैं और फिर ऑन करके ऑफ करके बाहर निकालते हैं चाबी को, तो गन्स जो होती हैं वो बैक मारती हैं। जब गन बैक मारती है तो वो गन्स इस पर बैक नहीं मार रही थी गाड़ी पे, रिमोट इस पे चलने लगा। फिर फाइनली हुआ क्या, हमारा ये क्लियर हो गया कि हमारा मॉड्यूल खराब है। हमने मॉड्यूल दूसरा डालने का रिकमेंड किया कस्टमर को, तो कस्टमर ने हमसे बोला सर रिपेयर हो जाए तो रिपेयर कीजिए। हमने इसको रिपेयर कर दिया है, मजे की बात, हमने इसको सक्सेसफुली रिपेयर कर दिया है, ये अब काम करने लगा। हमने दूसरी गाड़ी पे इसको टेस्ट कर लिया, बट इस गाड़ी पे इसको हमने दोबारा से इसको मैच करके आपको सिर्फ ये वीडियो साझा करेंगे कि एक प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहा है गाड़ी के ऊपर, क्या इश्यू आ रहा है गाड़ी में, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और इस वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। ऐसा नहीं कि आप देख के निकल गए, हटाओ भाई, छोड़ो, हमने देख लिया, हो गया काम। उससे क्या होता है, हमारा मनोबल टूटता है कि आप वीडियो लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, चैनल को शेयर करो कि यहाँ पे कुछ सीखने को मिल रहा है। सभी मैकेनिक भाई, गैराज वाले, मेरे चाबी वाले भाई, कुछ आपको सीखने को मिलेगा और मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं उतनी मेहनत करूंगा। आइए हम चलते हैं गाड़ी के पास और आपको गाड़ी पे इसको प्रोग्राम करके दिखाएंगे और आपको फॉल्ट दिखाऊंगा, गाड़ी पे क्या फॉल्ट था, क्यों नहीं मैच हुआ गाड़ी पे। दूसरी गाड़ी पे चला दिया हमने, रिपेयर करके दूसरी गाड़ी पे चालू कर दिया, लेकिन इस गाड़ी में नहीं चला, इस गाड़ी पे चल गया, प्रोग्रामिंग मोड में नहीं आ रहा, तो वो प्रोग्रामिंग मोड दिखाऊंगा आपको लाके। आइए चलते हैं गाड़ी के पास। ये हमारे पास दोनों मॉड्यूल है, चलो इस मॉड्यूल की तो हमें जरूरत नहीं है, ये तो हमने चेक किया हुआ। बेसिकली हमें सिर्फ ये दिखाना है दर्शकों को कि रिमोट मैच करती है, अगर गन बैग ना मारे तो जरूरी नहीं है कि आपका डोर स्विच खराब है, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम मैं आपको अब दिखाऊंगा और उसका सरल तरीका दिखाऊंगा। आप सीधा डायरेक्टली ऐसे रिमोट भी मैच कर सकते हो, ना ज्यादा झंझट में पड़ के गाड़ी की पूरी वायरिंग खोल के, पूरी वायरिंग काट के चेक करने की बजाय आप डायरेक्टली शॉर्टकट में भी प्रोग्राम कर सकते हो, वो मैं शॉर्टकट दिखाऊंगा। आइए हम गाड़ी में चलते हैं। गाड़ी खड़ी है अपनी स्विफ्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी, और मैनुअली चाबी से लॉक करो। गाड़ी हमने लॉक कर ली है। इसको प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले तो इधर ड्राइवर डोर का डोर स्विच हमें डिस्कनेक्ट कर देना है, वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ड्राइवर डोर का स्विच डिस्कनेक्ट किया हुआ है और वो करना ज़रूरी है। अगर आप उसको कनेक्ट रखोगे तब भी ये प्रोग्रामिंग मोड में नहीं आएगा, डोर स्विच का साइन मीटर पे सिंबल हाईलाइट रहेगा। अब आइए हम चलते हैं,
अब ये हमारा यूनिट है और चाबी हमारे पास है। गाड़ी ओपन की लाइट मीटर पे आ गई है, मीटर पे शो करो। समस्या थोड़ी सी ये है कि ज़्यादा व्यक्ति नहीं है, सबकी हेल्प ले नहीं सकता, तो हमें ये वाला डोर स्विच आप दबा के भी रख सकते हो इस तरीके से, लेकिन मैं यहाँ पे अभी वीडियो में इसको डिस्कनेक्ट करके आपको प्रोग्राम करके दिखाऊंगा रिमोट पे। आप मेरे को कैमरा दे दीजिए, अब आप उस तरफ आ जाइए क्योंकि इग्निशन आपको ऑन ऑफ करना पड़ेगा बार बार। चाबी लीजिए, ये हमारे मॉड्यूल की लोकेशन है, यहाँ पे अंदर लगा होता है सेंटर लॉगिंग यूनिट, और ये इसका कपलर है। हमें इसको सबसे पहले प्लग कर देना है। एक बार पकड़ना जरा, आप कैमरा पकड़िए, दोनों हाथों का उपयोग करना पड़ेगा ना। ये हमने लगा दिया है, लीजिए स्क्रू ड्राइवर दो मेरे को, मैं इधर का डोर स्विच डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। डोर स्विच इधर वाला डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, डोर स्विच डिस्कनेक्ट हो गया। ये स्क्रू की मदद से ही अर्थिंग लेता है। स्क्रू उठा दिया, डिस्कनेक्ट हो गया। आप उधर से जाके दिखाओ मीटर पे लाइट से। मीटर पे लाइट जा चुकी है। अब साथियों हमें करना क्या है, जो सबसे जरूरी पॉइंट की बात है, बहुत से भाई क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट तार लेते हैं, तार जोड़ देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं तो पटाखा बच जाता है या धुआं उड़ जाता है। वो काम नहीं करना हमने बिल्कुल भी, हम सेफ्टी प्रोटेक्शन के साथ काम करेंगे। हमने बीच में एक बल्ब लगा लिया है, एक वायर में बीच में बल्ब लगा लिया है, और यहाँ पर हमने जो अपनी R&D करके जो चेक किया है, जो सर्च किया है, वो सर्च ये चीज है कि यहाँ पर हमने डोर स्विच की वायर सर्च कर ली है, ढूंढ ली है कि इसकी मॉड्यूल की डोर स्विच की वायर कौन सी होती है। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे दिखाइए जी, जूम करके दिखाइए या ऐसे दिखाइए। ये जो वाइट पे ब्लैक है, ये जो वाइट पे ब्लैक वायर है, यही डोर स्विच की वायर है। ठीक है सर, ये मैंने इस पे लगा दिया है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, अब मैं इसको अर्थिंग करूंगा। अर्थिंग भी चलो यहीं कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये लोहे की पत्ती लगी हुई है, यहीं पे अर्थिंग कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने अर्थिंग कर दिया, वहां मीटर पे डोर स्विच की लाइट नहीं आएगी, डोर स्विच की लाइट नहीं आएगी मीटर पे, लेकिन काम हमारा होगा। अभी हम आपको दिखाते हैं। चलो जी, टाइमिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें, टाइमिंग मिस हो गया तो रिमोट प्रोग्राम नहीं होगा। दोबारा करते हैं, इग्निशन ऑन करके बंद करके बाहर निकालो जी चाबी। 1, 2, 3 रुको, 1, 2, 3 करना जी। नहीं हो रहा जी, कुछ इशू है, वायर हिल गई है शायद हमारी। रुकिए सर, दोबारा करता हूँ। इस वायर को दोबारा मैंने कटिंग नहीं किया है, इसलिए शायद वायर हिल रही है। अब अपना काम होगा, रुकिए इसको कस के लगा देता हूँ। और आप वीडियो में जब रिमोट का बटन प्रेस करेंगे तो आपको रिमोट ऐसे दिखाना है, ये भी नजर आना चाहिए सीन। ठीक है जनाब, किधर गया इसका अर्थिंग? चलो जी, मैंने अर्थिंग कर दिया। इग्निशन ऑन करो, बंद करके बाहर निकालो। 1, 2, 3 चलो जी। ये गन बैक मारी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो इस तरीके से हमने रिमोट इसका मैच कर दिया। अभी चलेगा नहीं, अभी रिमोट नहीं चलेगा। लॉक करना जरा रिमोट से। नहीं, अभी लॉक नहीं होगी। क्यों? इधर देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे अर्थिंग किया हुआ है इसको। अब मैं अर्थिंग हटा देता हूँ और आप रिमोट चला के देखो, डोर स्विच के दोनों ही वायर हटी हुई है। लो जी, चलो हमारे दर्शकों को रिमोट दिखाओ चला के। तो साथियों, इस तरीके से हमने इसका रिमोट की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की है। मॉड्यूल हमने रिपेयर किया है, मॉड्यूल रिपेयर करने के बाद ही ये समस्या हुई है। अगर हमारे पास दूसरा मॉड्यूल नहीं होता तो हम रिपेयर भी नहीं कर पाते।
चलो अब ये फिलहाल रिपेयर हो गया है और आपको मैंने दिखाया कि इसमें अगर डोर स्विच की कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी काम कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था आप तक ये नॉलेज पहुंचानी कि हम डोर स्विच की वायर कौन सी होती है इस मॉड्यूल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।